तो बेसिकली आज की हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम एक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो प्रोजेक्ट क्या है, पहले जानिए प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। क्या है कि मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर से मुझे डेली डेटा को डाउनलोड करना होता है। एक सॉफ्टवेयर है जिससे मुझे डेली डेटा को डाउनलोड करके लाना पड़ता है अपने सिस्टम पर। तो आप बोलो उसमें क्या है, क्लिक करें डाउनलोड कर लें। जी नहीं, बेसिकली क्या है कि वो फाइल डाउनलोड नहीं होती है, एडिट होती है। हमें उसको बताना पड़ता है कि भाई फलाने लोकेशन की फाइल में डेटा को डाल दो, तो फिर उस डेटा उस फाइल में वो डेटा को डाल देता है। तो मुझे क्या करना है कि एक ड्राइव में, जैसे कि मान लीजिए मैं सी ड्राइव में ही लेता हूँ, ये इसमें डी ड्राइव ही लेता हूँ, कि डी ड्राइव या ई ड्राइव में ही, ई ड्राइव में ही एक फोल्डर, जैसे 2021 का फोल्डर क्रिएट करें, 2021 का फोल्डर क्रिएट करें, इसके अंदर जो है जो महीना चल रहा है उस महीने का फोल्डर क्रिएट करें। 2021 में जो महीना चल रहा है उस महीने का फोल्डर क्रिएट करें, और फिर उस फोल्डर के अंदर डेट का, मैं एक बार करता हूँ दिखाता हूँ, 2021 के अंदर आया मैं यहाँ पे, फोल्डर नंबर 4 चौथा महीने चल रहा है, 4 दिया हमने, फिर चौथे के अंदर हमने आए और एक फोल्डर क्रिएट किया, कौन सा दिन है, 6 तारीख है, 6, और इस फोल्डर के अंदर हमें न्यू यहाँ पे 6.xls जो है, xlsx जो फाइल है वो हमारा बनाना है, समझे सर। तो आप लोगों को समझ में आया कि हमें रिक्वायरमेंट क्या है। एक ड्राइव के अंदर ईयर का फोल्डर बनाएं, अगर फोल्डर बना हुआ है तो छोड़ दें, नहीं बना हुआ है तो बनाएं, उसके अंदर करेंट मंथ का फोल्डर बनाएं, अगर बना हुआ है तो छोड़ दें, नहीं तो बनाएं, उसके अंदर करेंट डेट का फोल्डर बनाएं, अगर बना हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज बना दें, और फिर उसके अंदर करेंट फाइल को क्रिएट करें, करेंट डेट के फाइल को, ठीक है। चलिए इसके लिए प्रोग्राम में लिखते हैं, हम यहाँ पे मॉड्यूल्स में गए, सब्जेक्ट, ये हमारा प्रोजेक्ट वन है, तो हम P1 कर दिया, हमने बोला था ना ये स्लैश नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमें ये पता करना होगा सिस्टम का डेट वगैरह, तो हमने यहाँ पे लिखा y इक्वल टू ईयर, और ईयर के अंदर में हमने डेट डाल दी। अभी क्या है, क्या है कि सिस्टम, आप जाते हैं ना एक्सेल में तो आप लगाते हैं टुडे का फॉर्मूला, टुडे का फॉर्मूला क्या करता है, करेंट सिस्टम डेट देता है, और इसी डेट में से आप ईयर का फॉर्मूला से ईयर अलग कर सकते हैं, ओके, ईयर के फॉर्मूला से ईयर को अलग कर सकते हैं। तो वीवीए में जो टुडे फॉर्मूला है वो डेट बन जाता है, और ये वाई क्यों लिया, अब इसको सेव करने के लिए कोई लोकेशन तो चाहिए ना सर, जैसे मैथमेटिक में एक्स वाई जेड होता है, ऐसे मैंने यहाँ पे वाई ले लिया, ऐसे मैं एम इक्वल टू मैंने कर दिया मंथ, और मैंने यहाँ पे दे दिया डे, और सेम डी इक्वल टू डे, और यहां पे कर दी मैंने। तो अब सिस्टम डेट से वाई को अलग कर लिया, एम को अलग कर लिया, और डे को अलग कर लिया। फोल्डर क्रिएट करने का लिए होता है एम के डी आई आर मेक डायरेक्टरी, एम के डी आई आर मेक डायरेक्टरी, और इसके अंदर हमें पाथ देना होता है। जैसे मान लीजिए मुझे डी ड्राइव में चाहिए, हमने डी ड्राइव को कॉपी किया, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में हमें 2021, तो जो लास्ट वाला होगा वो उसको क्रिएट कर, ठीक है। यहाँ देखा आपने एम के डी आई आर 2021, अब यहाँ जो 2021 डाला हुआ है, ये 2021 हमने बाय डिफॉल्ट डाल दी, लेकिन फिर हमें हर अगले साल चेंज करना होगा, ऐसे मंथ में अगले महीने, फिर डे में अगले दिन,
तो मैं चाहता हूँ जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया है एम वाई डी उसको नीचे हम यहाँ पे यूज कर, वाई जैसे कि डेट ईयर जो है वाई पे स्टोर हो गया, एम महीना जो है एम पे स्टोर हो गया, और डे जो है आपका टी पे स्टोर हो गया। तो क्या करते हैं यहाँ पे हम यहाँ पे हम एम के लिए आयर हो गया, फिर यहाँ पे हम करते हैं एम के डी आई आर, ऊपर की कॉपी कर दीजिए ना एम के डी आई आर, फिर यहाँ पे एंड स्लैश हो जाएगा आपका एम। तो ये जो कैलकुलेट करेगा आपका ये इस तरह से करेगा आपका 2021/4 कमेंट बना दिया मैंने। ओके, ये मैंने कमेंट बना दिया ताकि आपको समझ में आए हुआ क्या है। फिर इसको कॉपी करूंगा और फिर इसमें हम एम के साथ स्लैश अंडरस्कोर डी कर दें। ये जो ज्वाइन हो गया क्या बने एम के डी आई को क्या मिलेगा, मिलेगा 6। तो ये फोल्डर क्रिएट कर लेगा। तो सुधीर जी फोल्डर क्रिएट करने का कोड समझ में आ गया। अब मैं इस लोकेशन में जो लोकेशन यहां है ना इस लोकेशन में फाइल को क्रिएट करना चाहता हूं। तो हमने लास्ट क्लास में बताया था कि डायरेक्टली फाइल को क्रिएट कर सकते कॉपी एम के डी आई आर सॉरी माफ कीजिएगा वर्क बुक्स डॉट एड डॉट सेव एज और यहाँ पे हमने अपना पाथ दे दिया। इसमें फाइल नेम तो है ही नहीं, हम यहाँ पे इसका फाइल नेम भी देना होगा बी with extension .xlsx और फिर यहाँ पे वापस वर्क एक्टिव वर्क बुक एक्टिव वर्क बुक डॉट लोड क्लोज और यहाँ पे इक्वल टू कर दो। देखिए क्या होगा। मैं आपको वन बाई वन समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम फोल्डर पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एफर्ट किया तो इसने क्या किया ईयर, अब ईयर इसमें से वाई देखिए 2021 से स्टोर हो गया, एम पे आपका 4 और यहाँ पे 6, तो D और Y मिलके क्या हो गया 2021 का फोल्डर बन गया क्या सर। अब 2021 के फोल्डर में देखेंगे ये क्या किया इसने 4 का फोल्डर बना दिया। अब इस 4 के फोल्डर के अंदर में आप देखेंगे मैं एफेट कर रहा हूँ, ठीक है सर। एफेट क्या होता है स्टेप इन्फो होता है, ये आपका इसमें डिबग में होता है स्टेप इन्फो, तो एक एक लाइन रन होती है। हाँ वन वन नहीं, मैं एफर्ट प्रेस करता हूँ तो होता है मेरा डिबग यार, मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो एक लाइन चलेगा। एक फाइल क्रिएट हुआ और क्रिएट होकर सेव हो गया, दिख रहा है आपको 6 दिख रहा है आपको सर ऊपर यहाँ देखिए दिखा सर, ठीक है। उसके बाद उसने फाइल को क्लोज कर दिया, तो इसने ड्राइव में 6 में आइए 6 नाम का फोल्डर क्रिएट कर दिया। वही तो
हाँ अगर अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, होगा क्या कि अब मैं दोबारा रन करता हूँ उसको, दोबारा रन करते ही यहाँ पे देखिए एरर आ गया, मतलब फाइल पाथ एक्सेस ने पहले ही कोड में इसने एरर दे दिया, क्योंकि 2021 का फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो यहाँ पे हमें एक कोड लिखना पड़ेगा, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, मतलब कि जिस लाइन में एरर आ रहा है उसको छोड़ के तुम बढ़ जाओ अगले लाइन में, अगले में एरर आया तो अगले लाइन में आ जाओ। जो फोल्डर क्रिएटेड होगा उस कोड को, उस फोल्डर को क्रिएट करने वाला कोड को स्किप कर देगा और अगली कोड पे चलाएगा। नहीं, एक जहां जहां लिखोगे उससे नीचे सब पे एप्लीकेबल होगा। जी, सब पे एप्लीकेबल होगा सर, जो लाइन एरर देगा वो उस लाइन को स्किप कर देगा। तो ये माइक्रो मेरा परफेक्टली बन गया, जब भी मैं रन करूंगा इसमें, कल रन करूंगा तो कल 5 नाम का फोल्डर बना के 5 नाम का फाइल बना देगा। क्लियर है? अब इसी में हम दूसरा प्रोजेक्ट करते हैं थोड़ा सा, इसे ये तो सिंपल था, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं। मुझे 12 फाइलें बनानी है, मुझे 365 शीट्स चाहिए, मुझे 365 शीट्स चाहिए, लेकिन 12 वर्कशीट, जी हाँ, लेकिन 12 फाइलों में वो कंबाइन होना चाहिए। जैसे मैं एक जनवरी का फाइल बनाऊं और जनवरी के फाइल के अंदर में, जनवरी में कितने नंबर डेज होते हैं, 31, तो उसके अंदर 31 सीट्स हो, फरवरी में 28, 29 सीट्स हो, समझे सर? आगे बढ़े सर। तो इसके लिए हम एक नया माइक्रो क्रिएट करते हैं यहां पे। सब प्रोजेक्ट 2 यहां पे हमें क्या करना है, हमें करना है सबसे पहले तो फाइल क्रिएट करनी है 12, तो वर्क बुक्स डॉट एड डॉट सेव एज डी ड्राइव में 2021 फोल्डर के अंदर में 1.xlsx। बट प्रॉब्लम क्या है कि क्या आपको इस तरह से 12 लाइनें लिखनी पड़ेगी कि 1.xls 2.xls, क्या 12 फाइल क्रिएट करनी है, तो ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना सर। तो मुझे इस लाइन को 12 बार रिपीट करना है, लेकिन मैं कोड रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं 12 बार इसको रन करना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम लूप का इस्तेमाल करते हैं, बिफोर आई इक्वल टू चले 1 to 12, नेक्स्ट टाइम। अब क्या करेगा कि इस कोड को 12 बार रन करेगा। ठीक है, समझ में आया? लेकिन कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 12 बार ओ वन नाम का ही शीट बनाएगा। तो यहां पे जो आई होता है ना, जो आई दिख रहा है, एक तरह का वेरिएबल होता है। ये क्या करता है, अपने अंदर एक काउंटर है, एक काउंट करता है कि कितना बार लूप चल चुका है। तो इसके ऊपर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे सिक्वेंसली नंबर स्टोर होते जाता है। तो मैं इस आई को यहां यूज कर दूंगा फाइल नेम के लिए, ठीक है?
इन्वर्टेड कॉमा से बाहर, क्योंकि ये वेरिएबल। अब देखिए मैं एफिट करता हूँ तो पता चलेगा क्या है, एफिट किया। अब देखिए आई के ऊपर वन है, तो पूरा पास कंप्लीट होके वन डॉट एक्सएलएस नाम का फाइल क्रिएट किया, कर दिया सर। सेकेंड टाइम रन होगा तो टू हो गया, अब टू डॉट एक्सएलएस का फाइल क्रिएट करेगा। मैं फिलहाल इसको बंद कर देता हूं। अब फाइल क्रिएट हुआ है तो अब मुझे यहां पे कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ डेज, कि जो महीना होता है कि वन टू थ्री को महीना मान रहे हैं, उस महीने में टोटल नंबर ऑफ डेज है कितने। तो मान लीजिए आपको मैंने महीना वन दे दिया और आपको ईयर 2020 पता हो, तो आप महीना कैसे बनाएंगे, डेट कैसे बनाएंगे। इसके लिए हमारे पास डेट का फॉर्मूला है, डेट हम ईयर को ईयर ले लेते हैं, ईयर 2020 कॉमा मंथ ले लिया और डे ले लिया वन, एक ही से आ गया। और हमारे पास होता है ईओ मंथ। ईओ मंथ क्या करता है, इसमें से लास्ट मंथ निकालता है, समझ गए। अब इसी में हम डे फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, इसमें से 31 महीना निकल कर आ जाएगा। 31 चाहिए हमें ताकि मुझे 31 शीट ऐड कर सके, समझे। यहां पे शीट्स डॉट ऐड 31, यहां पे काउंट में 31 माइनस शीट्स डॉट काउंट। हमने काउंट शीट डॉट काउंट क्यों लगाया, माइनस क्यों किया, क्योंकि 31 शीट चाहिए, लेकिन जब शीट ऐड होता है तो डिफॉल्ट एक या 300 शीट होता ही है ना सर। तो 31 में से जितने शीट है उसकी काउंट ले को माइनस कर दे और फाइनल रिजल्ट दे शीट ऐड को, ताकि उतना शीट ही ऐड करे। क्या समझ में आएगा सर। हेलो, माइनस कर दे, बट प्रॉब्लम यह है कि 31 तो हर महीने होता नहीं है, तो हाउ कैन कैलकुलेट कि 31 हो। तो इसके लिए मैं एक वेरिएबल लेता हूं, मान लीजिए मैं एक वेरिएबल लिख दिया डे, डी इक्वल टू हमने डे फॉर्मूला लगाया, और डे फॉर्मूला के अंदर में हमने क्या किया, एप्लीकेशन। देखिए क्या है कि डे फॉर्मूला वीवीए को सपोर्ट करता है, ईओ मंथ फॉर्मूला वीवीए को सपोर्ट नहीं करता है। कैसे पता चला है सपोर्ट नहीं करता है, देखिए डे फॉर्मूला लगाया तो नीचे एक्सप्रेशन आ गया ना सर। अब ईओ मंथ फॉर्मूला लगाइए तो लगाइएगा तो नीचे एक्सप्रेशन नहीं आए। तो जो वीवीए को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है उसको हम देंगे एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट ईओ मंथ। ईओ मंथ में चाहिए डेट, ठीक है, तो हमने वन डैश एन परसेंट में हमने ले लिया आई, और फिर आपने कर दिया डैश डैश 2021, ठीक है, और कमा जीरो। इससे क्या हुआ, डेट बन गया, और डेट बनने के बाद यहां दे से 31 निकल गया। अब मैं इसको एफेक्ट करता हूं, पता चलेगा आपको क्या निकल के आ रहा है। देखिए 31 निकल के आया सर। अब यहां पे 31 का एक मिनट, यस ऑलरेडी था, यस था, इसलिए अब देखिए मैं जैसे ऐड करूंगा 30 सीट ऐड हो जाएंगे सर, 30 सीट ऐड हो गया सर। अब प्रॉब्लम आता है कि मैं सबका नाम 1 2 3 4 5 ऐसे रिनेम करना चाहता हूं सर, मैं सबको नाम रिनेम करना चाहता, तो यहां पे रिनेम करने का होगा कि सीट्स नाम हम तो पता है नहीं, तो मैं यहां पे सीक्वेंस नंबर से चलूंगा कि सीट वन डॉट नेम इक्वल टू वन, सीट्स टू डॉट नेम। अब ये तो काफी लंबी हो जाएगा सर, तो हम हाँ इसको हम लूप में डालेंगे। हम क्या करेंगे, करेंगे कि 4j, अब यहां आई नहीं ले सकता क्योंकि आई ऊपर ले चुका हूं मैं, जे 1 2 चले, कितना चले आपका डी, हाँ डी, ठीक है ना, डी हमने लिया, डी माइनस कर दिया डी,
और फिर हमने यहाँ पे किया शीट्स, शीट्स में हमने लिखा जे डॉट नेम इक्वल टू जे और नेक्स्ट जे। फिर जब फाइल हमारा यहाँ पे आएगा, दूसरी फाइल के लिए जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव और फिर वापस एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज, ताकि 12 फाइलें ओपन होके सिस्टम को हैंग ना करे। समझ गए सर? अब मैं फोल्डर में पहले जो फाइल था उसको डिलीट कर देता हूँ। इसको डिलीट कर देता हूँ। चलिए अब एक बार इस मैक्रो को रन करता हूँ। अब देख रहे इस तरह का जो ये चल रहा है, इवेंट हो रहा है ना सर, स्क्रीन आपको दिख रहा है, ऐसे स्क्रीन को भी आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। इसके लिए आपको शुरुआत में कोड डालना होगा एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इक्वल टू फॉल्स। तो कोड को एक बार समझ लीजिए, ठीक है ना? देखिए फाइल में 12 फाइलें बन रही ना सर, देखिए दिख रहा है सर? तो 365 शीट को इसने विद इन सेकेंड में बना दिया। तो इसमें आपने लूप को समझा, लूप क्या होता है? हाँ, आगे भी लूप पढ़ाऊंगा मैं, एक क्लास बाद और लूप पढ़ाऊंगा, ठीक है? क्या चीज का नोट चाहिए आपको? है मेरे पास बहुत सारे प्रोग्राम है, लेकिन अभी प्रोग्राम मेरे पास है, मैं दे दूंगा आपको। 100 से ऊपर प्रोग्राम लिस्ट है मेरे पास। जी जी मैं बताऊंगा, एक दो क्लास निकलने जाने दीजिए इसके बाद, ठीक है? मैं इस वीकेंड में आपको दे दूंगा, मैं तब तक जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़िए। अब तीसरा प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। अब तीसरा प्रोजेक्ट में थोड़ा सा ऐसा करता हूँ ताकि आप लोग भी कर सके। तीसरा प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं कि एक डेटा को, मतलब कि एक डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं, मतलब कि डेटा पे वर्क करने जा रहे हैं, और इसमें हम रिकॉर्डिंग माइक्रो का भी यूज करेंगे। हमने बताया था कि रिकॉर्डिंग माइक्रो का इस्तेमाल हम लोग एज ए डिक्शनरी के लिए या फिर कोई ऐसे प्रोग्राम भूल जाते हैं उसके लिए करते हैं, साथ में अगर कोई बड़ी प्रोग्राम लिखना हो तो उसमें भी इसकी हेल्प ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने डेटा है, राइट? अब मुझे क्या है कि यहाँ पे नेम है, पर्सन के नेम है, राइट? अब मुझे टीना ने कॉल किया कि मेरा डेटा भेज दो, तो मुझे उस टीना का डेटा उसको मेल करना होता है। तो करना क्या होता है, अब मैं एक बार रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेता हूँ ताकि मैं मूवमेंट को कर सकूँ। मैं सबसे पहले जाता हूँ सीट वन में, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिल्टर अप्लाई करता हूँ और यहाँ कविता को या टीना जो भी नेम है टीना को सिलेक्ट करता हूँ, ए वन पे जाता हूँ। अब देखिए रिकॉर्डिंग में कभी भी सिलेक्शन माउस से मत कीजिएगा, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो, और फिल्टरों को डेटा को डायरेक्ट कॉपी मत कीजिए। ये फाइनेंस सेलेक्ट में गो टू स्पेशल और यहां पे सिलेक्ट कीजिए विजुअल सेल्स ओनली, कॉपी कीजिए। अगर आपके पास ऑलरेडी सीट है फिर भी एक नई सीट को ऐड करें ताकि सीट ऐड होने का कोड जनरेट हो जाए। फिर पेस्ट किया, इसका नाम हमने रखा टीना और इसको हमने किया मूव एक नई वर्ब, और इस फाइल का नाम हमने सेव कर दिया टीना के नाम से एक लोकेशन में, मैं डाउनलोड में कर देता हूं और फिर इसको क्लोज कर दिया और फिल्टर को अनफिल्टर किया, A1 को सिलेक्ट किया और हमने माइक्रो को यहां से स्टॉप कर दिया। यहां से भी माइक्रो यूज किया जाता है, डेवलपर टाइप से भी कर सकते हैं और यहां से भी कर सकते हैं। मैं इसकी माइक्रो में जाता हूँ, मेरा माइक्रो वन करके आया ना सर, इसको एडिट करता हूँ। अभी जो कोड दिख रहा है ना सर, ये कोड रन होने वाले नहीं है, इसमें डायनेमिक नहीं है, काफी प्रॉब्लम हो।
तो चलिए एक एक कोड को हम यहाँ से हटाते हैं। E1 के जगह पे मैं A1 को सेलेक्ट कर देता हूँ, सिलेक्शन डॉट ऑटो फिल्टर, और यहाँ भी फिल्टर है तो दो दो फिल्टर की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे एक फिल्टर को रिमूव कर देते हैं। रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे फिल्टर देखिए A1 से 3914 हो गया। जब मैंने तो सर A1 को सिलेक्ट करके फिल्टर लगाया था, तो A1 को सिलेक्ट करके फिल्टर लगाया जा सकता है, तो मैं हटा दिया। तो किससे क्या होगा कि मेरा डेटा कल के डेट में 10,000 होगा तो फिल्टर 10,000 पे लग जाएगा, 1,000 हुआ तो 1,000 पे लग जाएगा। उसके बाद A1 डॉट सेलेक्ट, सिलेक्शन डॉट सेलेक्ट किया, यहाँ पे हम डाउन गए, स्मॉल दिख रहा है ना सर, ये स्क्रॉल बटन, मैं स्क्रॉल बटन यूज किया था उसका आ गया, तो स्क्रॉल की जरूरत नहीं है। सिलेक्शन डॉट स्पेशल, सिलेक्शन कॉपी, एक नई सीट को ऐड किया, हमने सीट को पेस्ट किया। अब यहाँ सीट टू डॉट सेलेक्ट, अब सीट ऐड होगा तो जरूरी थोड़ी कि उसका नाम सीट टू ही होगा, कुछ भी हो सकता है ना सर, लेकिन जो सीट ऐड होती है वही एक्टिव होती है, इसलिए यहाँ पे इसने एक्टिव सीट यूज किया हुआ है, तो जहां नेम का है वहां पर हमने एक्टिव सीट ले लिया, ठीक है। और टीना डॉट सेलेक्ट वगैरह जो सिस्टम है उसको मैंने हटा दिया, कट कॉपी मोड फॉल्स रहने देता हूँ, टीना डॉट मूव के जगह पे एक्टिव सीट डॉट मूव, और हमने ए हटा, ए भी फालतू को हटा दिया और फाइल को हमने यहाँ पे सेव कर दिया। अब मेरा यहाँ पे फाइल क्लोज हो गया सिलेक्ट, और ये रहा हमारा। तो मेरा माइक्रो अब परफेक्टली वर्क करेगा, लेकिन एवरी टाइम टीना का यूज करेगा सर, हमें अपने हिसाब से चाहिए, मैं जिसका नाम डालू उसका है, तो कोड में बार बार चेंज नहीं करना चाहता हूं। तो एक वेरिएबल मैं लेता हूं यहां पे n इक्वल टू इनपुट बॉक्स, और यहां पे देता हूं कि एंटर नेम। अब जहां जहां टीना है वहां वहां मैं n कर देता हूं, जहां भी टीना की जरूरत है। अब यहां टीना है तो यहां n, इस तरह से n नहीं लिखेंगे, बना n नाम का दे देगा, क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में है, तो मुझे यहां इसको ब्रेक करना होगा, एन परसेंट लगा के n को कंबाइन करना होगा, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। अब ये परफेक्टली वर्क करेगा, मैं एक सैंपल लेके दिखाता हूं, मैंने इसको रन किया, एक मिनट देखिए, हाँ माफ कीजिएगा जो मेरा ये कमेंट था, चलिए रन, इसको रन किया, इसने नाम दे दिया, मैं एक काम करता हूँ टीम इसके जगह पे नाम दे देता हूँ पूजा का, पूजा देन ओके। देखिए पूजा नाम का फाइल क्रिएट कर लिया इसने, हो गया सर, इसमें यहाँ देखिए आ गया ना। तो हमने इतना सारे कोड को लिखा नहीं, हमने कुछ कोड को डिलीट किया, कुछ कोड को एडिट किया, कुछ एक लाइन को ऐड किया। तो रिकॉर्डिंग माइक्रो का इस्तेमाल आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको पता करना होगा कि कौन सा कोड गलत है, वहां नहीं होना चाहिए, उसके लिए आपको सोचना होगा स्टेप बाय स्टेप कि क्या पे कोड की जरूरत नहीं है, ठीक है सर। हेलो, तो आप लोग इसको ट्राई कीजिए, हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 5 मिनट बाद हम आएंगे, फिर हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे सर, जहां पे मैं कल छोड़ा था, ठीक है सर।